हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन नंबर थ्योरी विच इज द डिवाइजर टाउ फंक्शन। बेसिकली दिस फंक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर और नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर और डिवीजर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के कितने पॉजिटिव डिवीजर पॉसिबल हो सकते हैं, ये नंबर वो कैलकुलेट करके देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए 6, तो 6 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर पॉसिबल हैं, डिवीजर पॉसिबल हैं। तो 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है। तो हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4। सो ये फंक्शन में डायरेक्टली बता देगा कि हाउ मेनी डिवाइजर ऑफ 6 आर देयर, दे आर 4। सो मतलब अगर आपने इस फंक्शन में 6 को इंप्लीमेंटेड किया तो आपको रिजल्ट क्या देगा, 4। व्हाई? बिकॉज़ 4 पॉजिटिव डिवीजर्स आर पॉसिबल फॉर द 6। वैसे ही अदर भी कोई नंबर देंगे, लेकिन अब हर नंबर के लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेट तो करेंगे नहीं, तो उसी के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली हाउ डू दिस फंक्शन इज वर्क, बेसिकली अगर आपने जैसे कोई भी नंबर है टाउ ऑफ 1 का, तो आपको पता है कि एक ही डिवाइजर होता है और इट इज 1 इटसेल्फ। अब 1 के सिवा अगर आप कोई भी नंबर डाल रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर पुटिंग एनी पॉजिटिव इंटीजर n, एंड आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिस फंक्शन के अंदर डाला, तो फर्स्टली यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज दिस फंक्शन। सबसे पहले आपको इस फंक्शन के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, एंड यू गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन एज p1 a1 की पावर a1, p2 a2 की टू द पावर a2, p3 टू द पावर a3, एंड सो ऑन pn an, सॉरी टू द पावर an। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने किए 6 के प्राइम फैक्टर्स किए, तो 2 × 3, सो p1 की जगह पे आ गया 2 एंड p2 की जगह 3, a1 की जगह 2 की पावर कितनी है 1 एंड 3 की पावर कितनी है 1। सो बेसिकली ये p1 और a1 है, ठीक है। इसी तरह आपने मान लीजिए 12 के फैक्टर्स किए प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 3 टू द पावर 1, सो p1 की जगह 2 है, p2 की जगह 3 है, a1 की जगह पे 2 एंड a2 की जगह पे 3। अब आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, देन टाउ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है, इट इज अ वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजर्स अप टू द ए एन प्लस 1। सिंपली आपको ये देखना है कि प्राइम नंबर्स की पावर क्या लग रही है और उन्हीं में ए को एड करते हुए मल्टीप्लाई करते चले जाना है। फॉर सम एग्जाम्पल्स आते हैं, टाउ ऑफ 6, तो सबसे पहले काम 6 तो भी मान लीजिए 4, चलिए इसी को कर लेते हैं। 6 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 3 × 1, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम्स, 1 एंड 1, सो a1 इज 1, a2 इज 1, सो टाउ ऑफ 6 इक्वल्स टू a1 का मींस 1 प्लस 1 इनटू a2 की जगह पे 1 प्लस 1 मींस 2 × 2 मींस 4। नाउ टाउ ऑफ 36, वी ऑल नो दैट 36 मीन 2 × 2 इंटू 3 × 2, सो बेसिकली a1 इज 2 एंड a2 इज ऑल्सो 2, सो 2 + 1 × 2 + 1 मीन्स 3 × 3 मीन्स 9। सो हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 36 आर देयर, 9। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो ऐसे, बट ये थोड़ा लंबा जाएगा। 1 इसको डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 करता है, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है, फिर कोई नहीं करता, 18 करता है, और 18 के बाद 36। काउंट देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो रिजल्ट इज द 9। किसी भी नंबर के आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू आर कैलकुलेटिंग द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ, मान लीजिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग द 63, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 इज 3 × 2 × 7 × 1, सो टाउ ऑफ 63, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इज 2 एंड a2 की वैल्यू क्या है 1, सो 3 × 2 = 6। और ये फंक्शन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेड होता है इन ग्रुप थ्योरी, एंड यू ऑल नो दैट फ्रॉम ग्रुप थ्योरी ऑल द क्वेश्चंस विच आर द कैलकुलेटिव टाइप आर इंपॉर्टेंट, ग्रुप थ्योरी नहीं हर जगह पे। इसका सबसे अच्छा साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप, हमारे पास एक थ्योरम होती है कि द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज बी अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ दैट साइक्लिक ग्रुप। मतलब कोई भी साइक्लिक ग्रुप है और उसके ऑर्डर का जो भी डिवाइजर होगा
उस ऑर्डर का एक ही एग्जैक्टली सब ग्रुप पॉसिबल होगा. तो सिंपली नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप. तो जैसे कोई 24 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो टाउ 24 इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप. कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इसमें. बिल्कुल टाउ ऑफ 60, टाउ ऑफ 60. ओके सो टाउ ऑफ 60 फर्स्टली फैक्टराइज इट 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 एंड इंटू 5 टू द पावर 1. सो ए वन इज अ 2 मीन्स 2 प्लस 1 इंटू ए टू इज अ 1 प्लस 1 एंड ए 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 1. सो 3 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 6 टू इज अ 12. देर आर 12 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 60. कर भी सकते हैं आप 60 को. 1 करता है, 2 करता है, 3 करते हैं, 4 करते हैं और 5 करता है. इधर आइए 6 करते हैं, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 करते हैं, 12 करता है, 15 करता है, फिर 20 करता है, 30 करता है और 68 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिजल्ट इज ऑल्सो 12. तो आप किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं पॉजिटिव डिविजन. हाउ मेनी पॉजिटिव डिविजन आर पॉसिबल फॉर दिस नंबर? फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द 64 इज अ 2 टू द पावर 6. सो टाउ ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 मींस 6 प्लस 1 इक्वल टू 7. सो इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. 15. सो 15 के फैक्टर्स कितने होंगे? 3 इंटू 5. तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1. सो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 मींस 2 टू 4. सो 4 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15 आर देयर. 1 3 5 5 के बाद डायरेक्ट 15. ओके सो बेसिकली दे आर 4 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 14. सो ये है आपका टाउ डिवाइजर फंक्शन. आई होप आपको समझ आया होगा. और इस फंक्शन से और भी कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा. आप अपने मन से कोई भी सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर बना के उसके पॉजिटिव डिवाइजर को कैलकुलेट कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.